बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, जॉब सिंह सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये पेपर हुआ था कल ही 13 अगस्त 2022 को, और ये पेपर जो है असिस्टेंट का पेपर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट के लिए ये पेपर हुआ था। इसका पार्ट वन जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 40 MCQs थी इसमें, इस नेक्स्ट पार्ट में भी 40 MCQs होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 41 से। तो 41 से शुरू करेंगे इस पेपर को। ऐसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है कि नॉट अंटिल द लेट मिडल एजेस ग्लास डिड बिकम अ मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब जो यहाँ पर है क्या है? ग्लास डिड बिकम है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो यहाँ पर है तो विद है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कि ही नोज जर्मन एंड इटालियंस बिसाइड अरेबिक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि द प्लेयर्स एग्री टू अवॉइड बाय द रेफरेंस डिसीजन, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इफ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो तो उट परचेज लगेगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि इफ द कैमरा वाज वर्किंग वी डैश अ मूवी तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 46 में करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, कुड मेक। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इट वाज रनिंग यस्टरडे सो वी डिड नॉट गो आउट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि शी इज डैश टायर डैश वॉक तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इसमें पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है, तो करेक्ट ऐसे पैसिव वॉइस जो है कि व्हाई डिड ही डिसीव यू ऑफ यंग अर्निंग्स यूअर अर्निंग्स तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 49 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कि व्हाई वर यू डिस्यूड ऑफ योर अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है कि आमना साइड टू अली साइड टू आमना सारा विल हैव फॉर पेशावर टुमारो तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन तो 51 में जो करेक्ट आंसर लगता है ऑप्शन ए ही लगता है कि आई होप ही विल ग्रांट मी एन इंटरव्यू स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ idiom, यानी टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ योर प्लेडिंग तो इसमें जो करेक्ट idiom लगता है 52 में तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि आई डोंट थिंक आई डैश हिम येट तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 53 में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर लगता है कि हैव मेट। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं कि द वन हु नोस मेनी लैंग्वेजेस तो इसको पॉलीग्लॉट कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट तो ग्रामेटिकली जो करेक्ट सेंटेंस है इसमें 55 में ये लगता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर लगता है कि देयर वुड बी एट लीस्ट 5th गेस्ट इन द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट idiom यानी बाई फिट्स एंड स्टार्ट तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 56 में ये लगता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, नॉट रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 57 है कि दी विल नॉट कम हेयर डैश तो इसमें करेक्ट आंसर क्या लगता है 57 में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, विल दे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि थ्रू आउट द एनिमल्स किंगडम डैश बिगर देन द एलिफेंट तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 58 में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ओनली द व्हील इज। क्वेश्चन नंबर 59 है कि द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ टेरेबल तो
तो टेरेबल का सिनोनिम जो है, एंटोनिम जो है 59 में जो करेक्ट आंसर लगता है ऑप्शन बी स्मूथिंग सोथिंग। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज, तो एरोगेंट का करेक्ट आंसर क्या है 60 नंबर जो एमसीक्यूज है इसमें, ऑप्शन ए आता है कंसाइटेड। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं तो 61 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर दो टाइप के हैं, एक है आरबीजी रेड ब्लू ग्रीन, इसके बाद एक है आरबीवाई। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो ये क्या है ऑक्सीजन है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर जो है टू कंट्रीज के दरमियान, ये यूएस और कनाडा है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ओनली कंट्री है जो पाकिस्तान शेयर करता है मेरीटाइम बॉर्डर, तो ये ओमान के साथ है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पाकिस्तान का नेशनल प्रीडेटर जो है ये क्या है, स्नो लिपर्ड है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द एरिया वाइज जो है लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री जो है कौन सा है, कजाकिस्तान, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट वाज द तुर्की कॉल्ड, 1923 से पहले तुर्क को क्या कहा जाता था, द उत्मान एम्पायर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि यूनिसेको स्टैंड फॉर, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि सारक का हेडक्वार्टर जो है कहां पर है, काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि करंट सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन के कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक डेटा करंट डेबिट ऑफ पाकिस्तान इज, तो ये 88.9 बिलियन है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितनी जो है टीमें पार्टिसिपेटिंग करेगी, तो ये 32 है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री जो है कौन सी है दुनिया की, तो ये यंगेस्ट कंट्री जो है साउथ सूडान, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं कि द नेक्स्ट लीप ईयर, यानी अगला लीप ईयर कब होगा 2024 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि लिथोस्फीयर जो है अर्थ का एक सरफेस है, तो ये क्या करता है, ये रॉकी आउटर पार्ट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मिल्की वे जो है ये क्या है, ये एक गैलेक्सी है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है कि द अर्थ डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, तो ये क्या है, इक्वेटर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि हॉर्टिकल्चर इन द साइंस ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है 80 का ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, गार्डन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड ये था इसका पार्ट 2। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।